ग्लोबल आईएमबी बैंक सबई का लागी बैंक पहले तो जितिया पावनी के सबके बहुत बहुत हम शुभकामना दे छी। जितिया पावनी अपना पावन बेटा ला करी, सब अपन अपन बाल बच्चा ला करी, साई बेटा ला करी छथिन। जितिया पावनी के मुँह तो बहुत बड़का है। जितिया पावनी में अति तेल खड़ी निहाय खाई दिन चढ़े आ तब आई माछ मरुआ सब खाइल जाए है। बहुत बड़का पावन है। भोर में ओठंग हुई है तो चूड़ा दही सब चढ़ेलक खैलक। बिहान भर के भरि दिन भरि रात तक एकदम बगैर पानि के रह पड़ी है। तीन साँझ भ जाए तब अहू बेर तीन साँझ के तिथि के फेरा से 5:20 पर पारण है। बुझलिए बहुत कठिनाई है लेकिन जितमाहन गोसाई सबके पार लगबे छथिन। नहाय छै हुनका तेल अथी तेल खड़ी चढ़बै हैं तब हुनका सहै हैं। सहके भोर में लोग चढ़ा के तब खाइ है। तकर बाद में फिर भोर में चढ़तै तब पावन तब खतै पीतै नहीं तो ओना नहीं साई बेटा लागी करे पड़ै छै। सब में नमस्ते। आइ से अपने के जितिया पावन होइ छै से पावन अपने के शुरू भेलै तो आइ अपने के हमरा सबके नहा के बबे पुरखा दिशन से हमरा सबके कोई आयल है माय बाबू सहू दादा बाबा सब तो वही ढंग से हमू सब करत चल अलिए। तै के चलते अपने के आई नहा खाई के दिन छे। आई सब गोरे सवेर में 7 से नहाए लगले है। गंगा सागर में बहुत भीड़ छे तो अपने के गंगा सागर में सवेर में नहैले नहा के तेल खड़ी फूल अगरबत्ती चढ़ेलके है। तेकर बाद अपने के आई मरुआ रोटी खथिन कोई माछ खते तेकर बाद मरुआ रोटी खा के अपन लहसुन प्याज सब अभी पवनी में खाई छे तो तै लगे लहसुन प्याज खेते आ साँझ में भी खाना खेते आ तेकर बाद अपने के 4 भोर में चाहे 3 भोर में अपने के उठते तो वही में दही चूड़ा मीठा जरा फल फूल मन भेल तो फलो फूल दिल नहीं तो दही चूड़ा मीठा चढ़ते फिर राति में 3 भोर में आ चढ़ा के आ तखन फिर अपने के जेना अपने के तीज में दर खाई छे तेने हमरा सके वही भोर में दही चूड़ा पैते पवनी जे करे छथिन से जे पावन करे से व्यक्ति अपने के 3 भोर में दही चूड़ा आ कते मिठाइए खेलक कते अपने के जरा जे अपने साधा इच्छा है खाए के से खाते आ तेकर बाद अपने के मंगल के सवेर से अपने के 3 भोर से अपने के जे पावन वाली से उपास रहथिन से अपने के मंगल के 12 पूरे 24 मंगलों के रहथिन आ अबेर सेहो सुनै छी तिथि के कारण से अपने के बुध के 5 तक ल निर्जल उपवास सब जितिया करथिन। अभी जितिया केला करे छै तब जितिया अपने के घर परिवार समृद्धि अपन सुख शांति के लेल बाल बच्चा हमर कतौ है तो कुछो नहीं होय प्रभु के दया से सब ओय के चलते अपने के जितिया पावन कैल जाय छै। कतौ रहै छै यदि अचानक बाल बच्चा के कोनो चीज भेल आ ओय बच गेल तो जरूर अपने के ओकरा मुँह से निकलै छै जोरे बौआ तोरा मम्मी के जितिया पावन कैने छलो अखर जितिया तै के लगे तू आई बच गेले है। अय के चलते अपने के जितिया पावन के बहुत महत्वपूर्ण छै। अष्टमी सप्तमी से शुरू होइ छै। अष्टमी के तिथि के अपने के उपवास निर्जला व्रत रह पड़े छै तै के चलते अपने के जितिया के बहुत महत्वपूर्ण छै। हमरा मिथिला में अपने के जनकपुर में मिथिलांचल में बुझल जाए मध्य प्रदेश में टोटल मिथिला नारी सब अपना घर सुख शांति परिवार के लेल अपना बाल बच्चा के लेल करे छथिन। जितिया जो पर्व छ नहीं यो परंपरा पर्व हो ना यो हमारो शास्त्रीय पर्व हो। आज को दिन में समुद्र मथन भय को हो। आज को राति में जसमा लक्ष्मी जी को जन्म भाई छ अमृत को जन्म भाई छ त्यो अमृत बंटवारा हुदा खेरी देवता ले खाए तो अमृत भई दियो राक्षस लाई दिए ना
राक्षस ला देवता को रूप में देवता को समूह में गए बस को थियो राहु त्यो विष खायो त्यो जो अथी खाए नहीं त्यो अमृत तो कृष्णलाई था भयो त्यसलाई सुदर्शनले काट दियो त्यो भयो केतु। आज को दिन में हमारे घर को आई माईले जितिया पर्व किन गर्छ जितिया पर्व को अर्थ के हो कि प्रत्येक घर को जो स्त्री हुन्छ वो लक्ष्मी हुन्छ लक्ष्मी बाट लक्ष्मी को पूजा गराउँदाखेरि आज को राति में हमारे जितिया को नियम के छ कि 11 बजे रात में एउटा आटा को ठूलो दीप बनाउने त्यसमा एउटा घी को बत्ती घी हालने त्यसमा बत्ती हालने पश्चिम मुहे मुख दियागो गर्ने आफै पश्चिम मुहे बस्ने अनि लक्ष्मी जी को पाठ गर्दाखेरि कसैको घर में लक्ष्मी रुठेको छ भने लक्ष्मी आउँछ घर तर तराई में ना बुझे आदमी ने यो जितियालाई सतातन देखि नै बिगाड़ दिए के बिगाड़ेको छ कुनै पनि व्रत में लहसुन प्याज मासु माछा वर्जित हुन्छ यो जितिया में नोनी को साग खाने माछा खाने मरुआ को रोटी खाने यो कहीं पर्व हुन्छ यो पर्व हुँदैन म तपाईको माध्यमबाट म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाई यदि जितिया गर्नुहुन्छ जितिया को फल प्राप्त चाहनुहुन्छ भने आज को दिन में माछा मासु मरुआ को आटा नोनी को साग खानु हुँदै यो 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 जितिया जो छ नि 34 घंटा को 34 घंटा को जितिया अहिले राति को आज 5 बजे भोर देखि सहदा खेरी बुधवार को 5 बजे साझा में खाना खाए 5 बजे यो बीच में कसैलाई कहीं समस्या भइदियो भने यदि बाँचना अवस्था छैन तो त्यो दूध में गंगा जल मिश्री तुलसी मिलाएर बुधवार को दिन में खाना सकता औषधि पनि खान सक्छ औषधि कुनै बेलामा कुनै पर्वमा वर्जित हुँदैन तर हाम्रो के छ सुन सुनाईमा औषधि नखाने पानी नखाने खर नतुर्ने यो जति पनि लादियो कुरा हो यो परम्परा हाम्रो होइन यो हाम्रो शास्त्रीय कुरो हो सर लम्बाया